शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अभी एक दो लोगों को यहाँ पर कोहोस्ट बना देता हूँ कि अगर इनकेस मेरा आज ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा था, तो ये सेशन भी थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अभी आप सभी लोगों का स्वागत है, हम लोग अभी क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, मैं यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया हूँ, तो आप लोग आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका कान ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वो पता नहीं क्या है, एक दो दिन पहले डिस्चार्ज नहीं होता, फिर लगता है डिस्चार्ज होता, जैसे आज कुछ अजीब सा लग रहा था, डिस्चार्ज नहीं था ऐसे, मतलब फिंगर से टच करने में, तो फिर मैंने जब साफ किया तो फिर उसमें हमेशा ब्लैक कलर ही निकलता है। ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं है ना जितना पहले था? हाँ उतना नहीं है, मतलब ऑन ऑफ उसमें चल ही रहा है इधर उधर। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जी सर। इंटरनल दवाइयां क्या लेनी है? इंटरनल में तो अभी दो ही तीन ले रही हूँ, खदीरादी बटी ले रही हूँ और योगराज गुगलू ले रही हूँ, सारीवादी बटी ले रही हूँ, और एक पटनायक सर ने कोई दवा दी थी ग्रैब करके, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसमें गंधक रसायन है, आरोग्य वर्धनी रसायन है और दो तीन चीजें और मिक्सचर है, मतलब कंबाइंड मेडिसिन है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक हो जाएंगी आप, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा जी सर। थैंक यू सर। एक ना फरीदाबाद के बहुत अच्छे डॉक्टर है, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। देखिए म्यूट हो गया गलती से। जितेंद्र मिश्रा जी, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी अनम्यूट करिए। आप प्रणाम सर, कहाँ थे आप? सर बस यही था। वो आपके पेशेंट के नागपुर सब ठीक है सर, बात करना है पेशेंटों के बारे में भी। हाँ तो बताइएगा जब आपको टाइम मिले तो। आप आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जोशी सर से मिले थे ना नागपुर के उसमें? हाँ सर, जोशी सर का सानिध्य मिला मुझे, दो तीन दिन सबके साथ ही था मैं। और शशि मैम भी? हाँ मैम भी थी, शशि मैम भी थी। ठीक है, आप बताइएगा पेशेंटों के बारे में। हाँ सर, पेशेंटों के बारे में डिस्कशन करना है। मैंने शशि मैम को बताया था मेरा कान रोग का एक पेशेंट है, उसको 7-8 साल से डिस्चार्ज था अभी सर। हाँ। एक कान में पूरी तरह से बंद हो गया है और दूसरे कान में 40% है। मैम को मैंने बताया क्या क्या दिया था मैंने। अच्छा क्या क्या दिया था बताइए तो। सर उसको मैंने दिया था, सबसे पहले तो उसको मैंने सारी वादी बटी दिया था और गिलोय घन बटी दिया था, और साथ में मैंने गंधक दिया था, गंधक रसायन, और मैंने उसको थोड़ा दीपन पाचन किया था, और पेशेंट को थोड़ा सा अपने वाइट डिस्चार्ज की समस्या थी, और पेशेंट का बल भी बल बहुत कम था, तो थोड़ा सा बल बढ़ दवाइयाँ दी थी, यही दो तीन चीजें दिया था, 10 दिन दिया था, इसके बाद उसको फर्क आने लगा, तो फिर सेकेंड ट्रीटमेंट में मैंने उसको कैथोड
और अपना कार्यवादी कंटिन्यू रखा। साथ में मैंने फिर उसको थोड़ा सा तीस कृति के लिए सिखाया थी, तो हरिद्रा का एक योग बनाया ना, हरिद्रा चौक के न्यादी प्रवाल पिष्टी और काम योग का और अपना ये क्या कहते हैं रवि पत्रिकर और शिवस्थान पाचक का एक योग बनाया उसको दिया। और फिर इसके बाद उसको सारी ये अपना कैथोड कंटिन्यू रखा और गंधक बंद करके फिर मैंने हरिद्रा का ही मेरे पास एक टैबलेट आती है जिसमें आईटी टैब आती है धनवंतरी की, उसको आईटी केरिया भी हो जाता था, ये ऐड किया तो उसको इसके ऐड करने के बाद से काफ़ी अच्छा मतलब आराम आया। फिर मतलब उसमें आप ये समझो कि एक में तो पूरा बंद हो गया, तो अब यही ट्रीटमेंट मेरा एक महीने से पूरा कंटिन्यू डेढ़ महीने मतलब 45 डेज हो गया चल रहा है। और साथ में मैंने उसको कस्तावरी और एक खदीर और खदीर आसन और साथ में मैंने उसको दीपन पाचन का हमारे पास एक गैस मुक्ति है वो चला रहा हूँ। और साथ में उसको मानस मिश्रम वर्टिकम दिया था क्योंकि पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में भी थी, तो इससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम है। बहुत अच्छा बताया आप, जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हाँ सर मैं थोड़ा सा फोन में ठीक है आप और बाद में बात करते हैं। हाँ मैम बाद में बात करते हैं। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कितना अच्छा मिश्रा जी ने बताया केस, इतना अच्छा रिजल्ट बताया। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी आप कुछ बताइए सर, आपका तबीयत कैसा है अभी? जी सर ठीक है। अभी आपका अग्नि ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। अभी बुखार उखार नहीं आता ना? जी सर अब नहीं आता। हाँ सर स्वस्थ रहिए, 100 साल आपका तो जीवन है सर, शतायु 100 से ज्यादा जीना है आपको, एकदम हेल्दी रहो। थैंक यू सर। ओके डॉक्टर प्रीत जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर वो सोरियासिस के पेशेंट को लूं क्या निदान में? क्या भी कोई और केस डिस्कस? ले लीजिए सर, ले लीजिए, उनका केस टेकिंग करते हैं। वीडियो ऑडियो ऑन कराए दीजिए। हाँ सर 2 मिनट में एग्जिट करके उनको बोलता हूँ फोन करके। हाँ ठीक है। और डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य मैम कैसी हैं आप? लक्ष्मी जी मैम बिजी हैं, ठीक है। डॉक्टर शैलजा गुप्ता मैम कुछ बोलिए आप, कोई केस बताना चाहते हैं? डॉक्टर प्रशांत बाबू। हाँ शैलजा मैम बताइए आप। हेलो। हाँ मैम हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कोई केस बताइए मैम। सर एक मेरे पास यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का आया था पेशेंट, वो ओल्ड एज था और उसे मैक्स बालाजी वालों ने रेफर कर दिया था कि अब वो ट्रीट नहीं हो पाएगा, तब मैंने उसे कांचनार गुगुल और ये रिद्धि वाटिका वधिका वटी और पुनर्नवा गुगुल और गोक्षुर गुगुल दिया था, तो सर उसको 15-20 डेज के अंदर काफी रिलीफ मिला था पेशेंट को। अच्छा एक बार फिर से बोल दीजिए सारी दवाइयाँ किसके लिए आपने कहा? पॉलिप के लिए? नहीं सर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के लिए एक बार फिर से दवाइयाँ बता दीजिए सर। कांचना गुगुल, वृद्धि वाटिका वटी, पुनर्नवा गुगुल और गोक्षुर आदि गुगुल। अच्छा इससे कितना दिन में आराम हो गया सर? उसको 20 डेज के अंदर काफी रिलीफ था पेशेंट को, क्योंकि वो ओल्ड एज पेशेंट था तो मैक्स बालाजी वालों ने भी उन्हें रेफर कर दिया था कि हम नहीं ट्रीट कर पाएंगे, तब वो हमारी डिस्पेंसरी मैक्स बालाजी के साथ ही में थी, तो तब उन्होंने वो पेशेंट का अटेंडेंट हमारे डिस्पेंसरी में आया था बात करने के लिए, तब उसको मेडिसिन दी थी 20 डेज में उसे रिलीफ मिल गया था, वो फिर आया था दिखाने भी पेशेंट को। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, प्राउड ऑफ यू, आप ऐसे पेशेंट भी करते रहिए। हेलो। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी एज है 70 अराउंड है, लेडीज पेशेंट है, उनको एक पैर में मेरे हिसाब से तो सोराइसिस है और वो इतना ऐसे हो गया है अब जैसे उसमें कीड़े कीड़े से पड़ रहे हैं, जैसे खुजली भी होती है उसके अंदर और वो सड़ रहा है, वहां से उसका मांस सड़ रहा है। हाँ
पैर के पास, तो उनको क्या ट्रीटमेंट दें? अभी तो मैंने उनको गंधक तुरती ऑयल, जातादी ऑयल और आरोग्य वर्धनी वटी और त्रिफला, पेट साफ नहीं होता उनका, कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, तो मैंने प्रेजेंट में तो आज यही दिया है और करीबन वो एलोपैथिक में करा रही हैं 3-4 साल से, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में भी करा रही थी, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करने के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं होगा। तो सर उसमें क्या एडवाइस करोगे, क्या करूं उसमें, और इसके अलावा क्या दूं जिससे? शोधन करते हैं, शोधन पे विश्वास है आपको? शोधन कैसे सर बताएं? शोधन में आप या तो वमन करा दीजिए, सद्य वमन बिना सूर्यासी से, तो स्वेदन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप घी पिला के उनको उल्टी करा दीजिए, मदन फल का फांट और जेष्ठी मधु का क्वाथ इसे पिला के उल्टी करा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं तो विरेचन करा दीजिए त्रिवित्रियम पिला के। विरेचन करा दूंगा सर, क्योंकि वो 72 के करीबन है और वो बहुत वीक है, बुजुर्ग है, पकड़ के लेके आना पड़ता है। ठीक है, विरेचन करा दीजिए और रक्त मोक्षण पॉसिबल है तो जलौका लगा दीजिए। अच्छा सर, वहां पे पीड़िकाएं हैं हल्की हल्की, सफेद सफेद है, उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है उसमें से, ऐसा हो रहा है जैसे सड़ गया हो। तो ठीक है ना, आप जो जात्यादि तेल लगा रहे हैं कितना बढ़िया है, और वो कंचन मैम बताती हैं, कंचन मैम है कि कहरवा पिष्टी और काशी भस्म से ड्रेसिंग करना है। कंचन मैम आप बताइए, आपने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया। सर डायबिटिक है क्या पेशेंट? हेलो, गुड इवनिंग मैम। प्रणाम सर। सर आपका जो उंड होगा ना, वहां पे आप कहरवा पिष्टी और काशी तो मिला के उसमें कायाकल्प तेल ऐड कर दीजिए, जैसे वो एक क्रीमी क्रीम फॉर्म होना चाहिए उससे, वैसे करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको अगर उंड आपका उजिंग उंड है, मतलब गीला गीला उंड है, तो आप डायरेक्ट कहरवा पिष्टी डालिए कुछ दिन, फिर जैसे आपको थोड़ा सा सूखा हो जाएगा ना अंदर से जो क्लेद है वो, अगर हाँ ठीक हो जाता है, फिर आप ऑयल के साथ एप्लीकेशन करना। पिस्टी और अकासीज भसम दोनों को बराबर मात्रा में लेके और उसके ऊपर उसकी पट्टियां करानी है, ऐसी मैम? हाँ हाँ, मतलब आप एक तो छोटा उंड है ना, तो आप वैसे ही खुला छोड़ दो वो डाल के, और समझो बड़ा है तो फिर आप उस पे पट्टी कर दो। बड़ा है मैम, पूरी अपने नी से और उसके एंकल के पास तक है सारा। हाँ, आप पट्टी करो और रोज करो फिर पट्टी, मतलब रोज आपको उस पे कहरवा पिस्टी डालनी है और कासीस उसमें डालना है, आप तेल भी यूज करो बीच बीच में, अभी शुरू में गीला होगा ना, तो जब तक वो ड्राई नहीं होता ना पूरी तरीके से, तब तक खाली पाउडर से डालो कहरवा पिष्टी और कासीस भस्म वाला, और अच्छे से डालो, मतलब उसमें पूरा वो पैक होना चाहिए से। ठीक है मैम, मैं उनको देख के और करता हूँ। डीप उंड है ना, डीप उंड है तो गोल्फ पिंस में भी भर के वो आप अंदर रख सकते हो, अगर डीप उंड है तो। ठीक है मैम, खाने में यही चलेंगे वगैरह? हाँ, बाकी तो आप पेशेंट डायबिटिक है? नहीं मैम, डायबिटिक नहीं है। ओरल ट्रीटमेंट में भी सर आप वंग भस्म, कास्टिंग भस्म, स्फटिक भस्म, रस सिंदूर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सूक्ष्म त्रिफला देना, एक एटी देना। हाँ, एक एटी दे रखा है, एक एटी दे रखा है मैंने, और त्रिफला गुगलू भी दे रखा है मैंने। स्लो स्लो दिखता है हीलिंग, हो सकता है आपको पहले 8 दिन में पता ही नहीं चले हील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हील होना स्टार्ट हो जाता है, आप फिर भी उसको 8-10 दिन बिल्कुल मतलब आपकी मेहनत करते रहो, आप वहां पे सफलता आती रहेगी आपको, धीरे धीरे ही वो हीलिंग होगा। ठीक है मैम, उसमें ना जलन भी होती है, जलन खुजली भी है और आग से निकलती है, मतलब पित्त भी बढ़ा हुआ है, पित्त के लक्षण भी है, पित्त और कफ के। कोई बात नहीं सर, आप वहाँ पे जात्यादि तेल के साथ भी ये जो दो पाउडर बताया ना, आप यहाँ वहाँ पे लगा सकते हो, कायाकल्प तेल गोमूत्र से युक्त है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे नहीं यूज करे, तो आप कायाकल्प तेल की जगह पे जात्यादि तेल या चंदन वाला लक्षादि तेल भी यूज कर सकते हैं, बस आपके पाउडर्स यही होने चाहिए, बस उसका एप्लीकेशन जो है ऑयल के साथ वाला वो चेंज कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है, वो आप डिसाइड करना टाइम पे, जैसे कि आपको कैसे लगता है, पेशेंट क्या बोलता है, अगर आपको आप ये शतधौत घृत में भी मिक्स करके लगा सकते हो अगर जलन हो रही है तो। अच्छा, शतधौत घृत के, शतधौत घृत। अच्छा अच्छा, शहद नहीं बोला, शतधौत घृत। अरे
हाँ शत धौतकृत, 100 बार धोया हुआ जो घी होता है, शत धौतकृत। सर हमारे यहाँ तो नहीं मिलता शायद ऐसा, कैलाश जीवन मिलता होगा, कैलाश जीवन नहीं मिलता, नहीं मिलता मैम। ऑनलाइन देखिए अमेजोन पे, अमेजोन पे जी ठीक है। राजे राजे जूस मिले सर, राजे राजे बाकी लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचा के रखा है। ठीक है सर। अरविंद सर मुझे एक क्वेश्चन करना था, आज एक मेरे पास एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट आया, तो एक्चुअली उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तब उसके पापा की डेथ हुई थी, तो वो शायद मम्मी का पीरियड जो है वो स्ट्रेसफुल गया है, और फिर बाद में जैसे मैंने वो 30 साल का है बेटा उनका, तो बच्चे को मतलब 30 साल के बच्चे को ही प्रॉब्लम है सिजोफ्रेनिया की, तो वो बस एक ही कंप्लेंट कर रहा था, मुझे संशय आता है मतलब कि डिल्यूजन करके वो कंप्लेंट कर रहा था, तो सर ये सिजोफ्रेनिया की कौन सी इसमें हम लेंगे, उसके जो दोष थे ना वो पूरे मुझे वायु और पित्त ही लग रहे थे। हाँ तो उसको क्या वो दूसरी दुनिया में चला जाता है कि ये दुनिया में रहता है? नहीं बिल्कुल, जॉब कर रहा है वो पर घर पे बैठा रहता है, उसका मैंने देखा तो ड्रग लेने की भी हिस्ट्री रही है, वो जैसे 17-18 साल का था पर उससे वो भी छोड़ दिया उसने, मतलब उतना ये रहा कि वो ड्रग छोड़ पाया, अभी का कंडीशन में मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे कि भांग लेता है थोड़ा क्योंकि उसको नींद नहीं आती, इसलिए वो ड्रग के एडिक्शन के वजह से उसकी नींद उड़ी हुई है, तो उसको नींद नहीं आती तो वो भांग लेता है थोड़ा, और स्मोकिंग कर रहा अभी फिलहाल, और बाकी संशय करता है मतलब उसकी मम्मी पे संशय करेगा, बहन पे संशय करेगा, बाकी किसी घर को ऐसे पूरा बंद करके रखा है, जैसे कि विंडो ओपन है तो मम्मी को बालकनी में नहीं जाने देगा, बहन को नहीं जाने देगा, मतलब उन्होंने मुझे पिक्चर बताया घर के, तो पूरे घर पे कर्टन के साथ साथ मतलब जैसे हम एक रूम बंद कर देते हैं ना बाहर से कार्टून्स लगा के, तो पूरा बंद करके रखा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल रहता है, हवन वगैरह घर में भगवान का सब मंत्रा जाप वगैरह बहुत करता है जी, मतलब भगवान का बहुत करता है, और ऑनलाइन कुछ तो भी काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, बात करते समय आप हम बात करेंगे ना तो ऐसे एकदम ब्रिलियंट लगता है माइंड से, और बिल्कुल जैसे मैं बोल रही थी ना तो बोले मुझे इसके कंटेंट बताओ, कंटेंट को मैं पूरा सर्च करूंगा तो ही मेडिसिन खाऊंगा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेडिसिन पे भी डाउट कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आप उसका ना मानसिक बल बढ़ाने के लिए आप उनको ये जो अपने संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य या मेध्य द्रव्य जैसे कि ब्राह्मी तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, इसका नस से शुरू कर दीजिए, शिरोधारा पॉसिबल है तो शिरोधारा करिए, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, और ब्राह्मी तेल का पिचू, शिरो पिचू करना है, सिर पे रखना है, आपके पास ब्राह्मी तेल नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, या वचा तेल या ज्योतिषमती तेल, ये मेध्य द्रव्य भी रहते हैं, संज्ञा स्थापन भी रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और खाने में आप ऐसी दवाइयां दीजिए जैसे आपकी मेधावटी है, या फिर आप महाकल्याणकृत, महापैशाचिकृत, महापंचकव्यकृत, ये सब खाने के लिए दीजिए तो ठीक हो जाएगा फिर जी सर, मन का बल बढ़ाना है उसका। जी सर उनको मैंने बोला कि एटलीस्ट मेडिसिन के साथ बाकी ये स्मोकिंग वगैरह धीरे धीरे स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो मुझे बोलता है कि नहीं पहले मुझे कंटेन ही बताओ आप मेडिसिन के, बोले मैंने दुनिया भर के मेडिसिन खाई है ब्राह्मी वगैरह, ये मुझे ब्राह्मी छोड़ के दो बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्मृति सागर रस, पंचामृत, लौह गुल, ये सब देंगी ना मस्तिष्क रोग अधिकार में जो बताया, बहुत अच्छा जी सर। सर इसमें मतलब मुझे डायग्नोस करना था कि ये किस मतलब उन्माद में जाएगा, एंग्जाइटी है तो वायु है, क्रोध है तो पित्त है, अगर डिप्रेशन है तो कफ है। नहीं सर ये दोनों तीनों भी मुझे मतलब बस जैसे कि नाड़ी उसकी वात पित्त वाली लगी, और थोड़ा सा उसका मतलब जैसे एसिडिटी का कंप्लेंट था और जॉन्डिस का हिस्ट्री मिला तो थोड़ा सा वहां पे पित्त लगा मुझे, और उसको उसकी मम्मी को भी पूरा पूछा तो बोले गुस्सा नहीं करता है, नहीं बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, नहीं डांस वगैरह, हम देखें तो कफ जो रहता है, कफ जितना अच्छा रहेगा उतना विश्वास बढ़ता है, वायु बढ़ेगा तो विश्वास कम होता है, यहाँ संशय करे मतलब वायु का प्रकोप हुआ है, वायु का ही हाँ। तो वायु को शमन करने के लिए आप जैसे शीरबला तेल का नस्य दीजिए या फिर बस्ते दीजिए, शीरबला मतलब जो वात का शमन करे ऐसे चीजें दीजिए, या महाकल्याणकृत, महापैशाचिकृत, ऐसे वायु का शमन करना है। हाँ मुझे ये अभी अभी क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच।
वही समझ में नहीं आ रहा। शुक्रशय का हिस्ट्री है क्या, वो भी देखिए। वो भी मैंने पूछा, वो थोड़ा सा ऐसे पॉज करके बात किया मेरे से कि नहीं है ऐसे, पर मुझे लग रहा था सर। मैंने उसकी मम्मी को भी पूछा कि गर्लफ्रेंड वगैरह का कोई चक्कर, तो बोले नहीं, लड़कियों से तो बिल्कुल भागता है, बोले दूर, बस ड्रग एडिक्शन रहा है और घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। ड्रग एडिक्शन हुआ क्यों, मतलब उसको ड्रग्स लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब उसको अनिद्रा है, चिंता है बहुत ज्यादा, तो ये वायु का ही है, तो मतलब वायु की चिकित्सा करने से दिमाग शांत होगा। जी सर, थैंक यू। चार जो है ना, जो थॉट्स आ रहे हैं उसके, नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा, इररिलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं, उसको अगर जीतना है तो आपको नस्य देना ही पड़ेगा, ब्रेहन नस्य, शीर वाला तेल का नस्य दे दीजिए। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ डॉक्टर आदित्य जी, आपके पेशेंट आ गए? हाँ सर आ गए हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया है नाम से, नाम तो विनोद, विनोद कुमार जी। ओ जी हाँ, विनोद कुमार, कृपया वीडियो ऑन करिए सर। देखिए मैंने भेजे आज टू स्टार्ट वीडियो। हाँ अब मैं इनको ना स्पॉटलाइट कर देता हूँ, इनका कोई केस टेकिंग करिए। कंचन मैम आप करेंगी? जी सर, आप इनका केस टेकिंग करिए और मैं ये हटा देता हूँ। हाँ चलिए आप करिए कंचन मैम। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार, नमस्कार। विनोद कुमार, विनोद कुमार जी आप कितने साल के हैं? 55 साल के। सर आपको क्या तकलीफ है? सोरायसिस का तकलीफ है। कितने साल से सर? लगभग 20 साल से। तो आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ पे आपको पैचेस हैं? पूरे बॉडी में है या फिर? नहीं नहीं, सिर्फ हाथ और पैर में है। हाथों और पैरों में है? हाँ, हाथों और पैर में, घुटना के नीचे, तलवा के आसपास चारों तरफ। तो आपको उसमें खुजली ज्यादा आती है या जलन होती है, क्या होता है? खुजली कभी कभी आती है। खुजली कभी कभी आती है? हाँ। और जलन? जी जलन नहीं रहता है। जलन नहीं है। और दर्द वगैरह होता है वो पपड़िया निकलने के बाद, या वहां पे पेन होता है कभी आपको? फट जाने पर, पपड़िया निकलने के बाद कभी कभी फट जाता है, तब होता है, तब दर्द होता है। हाँ सर, आप क्या काम करते हैं? टेक्नीशियन है ब्लड बैंक में। अच्छा, तो आपकी नाइट शिफ्ट्स वगैरह रहती है? नहीं, डे में मॉर्निंग इवनिंग रहती है। ठीक है, घर का ही खाना खाते हैं या बाहर का भी खाते हैं? बाहर का कभी कभार। और चिंता? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है। नींद आती है बराबर? जी हाँ। कोई ऑपरेशन, कुछ बीमारी हुई थी ऐसे? बीमारी लगभग 25 साल पहले हुई थी, एक बार फीवर का शिकायत था, उसमें टीवी नहीं था लेकिन टीवी का दवा चल गया था, और टाइफाइड था, तो उसमें लगभग साल दो साल तक हम परेशान रहे, और अभी 3 साल पहले पैर में सेलुलाइटिस हो गया, तो उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन किया? हाँ। सेलुलाइटिस का? आपको डायबिटीज है? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। कोई हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह? तत्काल ऐसा डिटेक्ट तो नहीं है कुछ। और ये टाइफाइड कौन सी एज में हुआ था आपको? टाइफाइड 30 के आसपास। ठीक है, आपका सुबह से लेके शाम तक का खाना बताइए ना, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 5 बजे जगते हैं और बाथरूम जाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर थोड़ा सा टहले। चाय के साथ कुछ खाते हैं आप? नहीं। टहलने जाते हैं बाहर? हाँ थोड़ा दूर। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर कुछ घर का काम होता है वो करते हैं, 8 बजे हम लोग नाश्ता करके ड्यूटी निकल जाते हैं। नाश्ते में क्या लेते हैं आप?
तीन रोटी, तीन रोटी सब्जी और चाय कप, चाय भी पीते हैं फिर से खाना खाने खाते समय या फिर खाने के बाद जो भी नाश्ता कर रहे हैं उसके साथ चाय लेते हैं आप? नहीं नहीं पहले ही दो कप लेते हैं। दो कप लेते हैं मतलब ज्यादा ही ले रहे हैं। दोपहर में भी चाय होती है आपकी? हाँ एक बार दोपहर में होती है एक बार शाम में होती है। मतलब टोटल चार कप चाय हो रही है आपकी दिन की है ना? कम से कम, ज्यादा भी कभी कभी। दोपहर के खाने में आप फिर चाय के साथ कोई फरसान वगैरह मीठ नमकीन चीजें लेते हैं? नहीं नहीं ठीक है। दोपहर 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 में फिर रोटी सब्जी लेते हैं, रात में भी रोटी सब्जी लेते हैं। ठीक है। दही खाने का आदत है? हाँ महीना में 10-12 दिन खाते हैं। अचार? अचार भी महीना में 1-2 दिन। रात में दूध पीते हैं सोते समय? हाँ महीना में 8-10 दिन। आपको भूख लगी रहती है तभी खाना खाते हैं या बस सुबह खाना है नाश्ता करके निकलना है इसलिए तब खा रहे हैं आप? नहीं तो शेड्यूल बन गया हुआ है और उस समय थोड़ा सा भूख लगता ही है, 8 बजे 2 बजे और फिर रात में 8 बजे, यही मेरा शेड्यूल है। ठीक है मतलब शेड्यूल के हिसाब से आप खाना खा रहे हैं। ठीक है जी। और फिर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कब खाते हैं, फ्रूट्स कब खाते हैं? कोई निश्चित नहीं रहता है। ठीक है। रात का खाना कितने बजे है आपका? 8 बजे। ठीक है 8 बजे खाना खाया और फिर दूध पीना है तो कितने बजे पीते आप? बस वही 7-8। मतलब खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद भी दूध पीते हो आप? आवाज आ रही है मेरी? जी जी ठीक है। मतलब डिनर के बाद 15-20 मिनट के बाद आप दूध आ रही है? ठीक है। ऐसे ऐसे कभी किया है दूध के साथ पराठा खाया या फिर दूध के साथ अपने फल फ्रूट्स खाए जैसे वो कस्टर्ड बनता है ऐसे कुछ खाया है? मिल्क शेक्स वगैरह लेने की आदत है? नहीं हैबिट नहीं है, साल में 2-10 बार कभी हो गया। ठीक है। आपका मोशन कैसे आता है सर, मतलब फॉर्म्ड आता है केले के फॉर्म में आता है या फिर बिखरा रहता है? कभी कभी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसे ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। और यूरिन कैसा रहता है? यूरिन नॉर्मल रहता है, जिस दिन कम पानी पिए तो हल्का पीला आता है, नहीं तो नॉर्मल रहता है। और मोशन कितनी बार पास होता है दिन में? सुबह में 2 बार। ठीक है। आप स्वीट ज्यादा खाते हो, मिठाइयां? नहीं नहीं। नमक? नहीं नमक भी एडिशनल नहीं लेते हैं, सलाद में लेते हैं। कच्चा चीज खाने की आदत है सलाद, मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण में कुछ? वही सलाद कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा ले। ठीक है। मतलब वजन कम करने के हिसाब से आपने कभी ऐसे किया है कुछ दिन की आपने सलाद प्लेट ही खाई बाकी कुछ खाया नहीं है, खाना नहीं खाना मतलब सलाद ऐसे नहीं? कच्चा मतलब चना है मूंग है ऐसे कुछ कच्चा खाने की आदत है? जूस वगैरह बीटरूट का जूस गाजर का जूस ऐसे कच्चा लेने की आदत है? लेते हैं लेकिन रेगुलर वे में नहीं लेते हैं, जब मौका मिला कभी ले लिए कभी नहीं लिए। और घर में कोई बीमार है जिसके पीछे आपके कोई चिंता चल रही है? वाइफ डायबिटिक है उसके चलते कभी कभी परेशानी रहती है, बच्चा के लिए भी थोड़ा सा परेशानी हो जाता है कभी कभी। बच्चा क्या करता है सर आपका? वो MBBS कर रहा है। तो उसके लिए क्यों परेशान होते हो आप? नहीं ये गार्जियन का कभी कभी होता है। जी ठीक है। वो अभी उसका लाइफ सेट हो गया ना सर, MBBS कर रहा है मतलब, तो आप चिंता मत करिए। और आपके हाथों के पैरों के पैचेस भी बताना और आपका टंग भी शो करिए। ठीक है। आप जितना आप आपके कैमरा के पास में हाथ लेके आइए।
कोई नहीं है सर आपको हेल्प करने के लिए? है तो फिर उनकी हेल्प कीजिए। दे रहे हैं बैक कैमरा ऑन करके उनको दिखाने के लिए बोलिए। बैक में करें ना दिखला। ठीक है, ऐसे सिल्वरी पैचेस आते हैं, नाखून भी आपके खराब है पैर के? एक पैर के, एक पैर के है। ओके, सेलुलाइटिस हुआ था उसका सर्जरी का मार्क है क्या? थोड़ा अच्छे का? यही सर्जरी है सेलुलाइट। ओके, आपके हाथ ठीक है? आप आपके हाथ दिखाइए, पाम जो दिखा रहे थे ना अभी, थोड़ा अच्छे से फोकस करो आप, कैमरा ना हिलने मत दो तो पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप आपका फेस दिखाइए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपका वेट कितना है? आपको आवाज आ रही है? आपका वेट कितना है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो आपको दोपहर में सोने की भी आदत रही है क्या कभी? रेगुलर नहीं मिलता है मौका, लेकिन वही संडे को थोड़ा सा आराम करते हैं। ठीक है, वेज हो या नॉन वेज हो आप सर? वेज हैं। ठीक है, पनीर वगैरह का इंटेक ज्यादा है? सप्ताह में एक दिन। खजूर वगैरह ज्यादा खाते हैं? नहीं। ठीक है सर, मेरे साइड से तो ऑलमोस्ट हो गया है। बाकी सर, जॉइंट में पेन है? जॉइंट में पेन होता है कभी, बॉडी के जॉइंट में, हाथों में, पैरों में? कभी कभार, रेगुलर नहीं। ठीक है, आपके मेजर कंप्लेंट में आपने जैसे कि पैचेस जो है तो उसमें ही आपको तकलीफ लगती है, बाकी कोई एसिडिटी वगैरह कुछ है? जलन, पेट में उल्टी जैसे होना, नौशिया होना? नहीं, रेगुलर वे में वो सब नहीं है। ठीक है ठीक है सर, मेरे साइड से हो गया। और किसी को पूछना है क्या? नहीं, उसमें क्या दवा चलाया जाए? ये जो आपको सेल्युलाइटिस हुई थी वो सोरियासिस के ही लेजन पे हुई थी क्या? जो सेल्युलाइटिस हुई थी, जैसे हम लोग खुजली होती है सोरियासिस पे, तो उसी लेजन पे हुई थी क्या? अब सही अंदाज तो नहीं चला, लेकिन वो नीचे से ही हुआ था। दरअसल में हम छठ किए थे, पोखर में स्नान स्नान किए थे, और उसके कुछ दिन के बाद वो बाएं पैर में लाल हो गया, पूरा स्वेलिंग हो गया, उसमें पस हो गया। और सोरियासिस के जो लीजन होते हैं उसमें खुजली होती है क्या? अभी कभी कभार। ओके, रोज हम मॉइस्चराइजर उस पर देते रहते हैं। अच्छा, मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो खुजली बढ़ जाता है? हाँ, ड्राई होता है तो फिर फटना शुरू हो जाता है, खुजली बढ़ जाता है। अच्छा, आपको ऐसे अंदरूनी बुखार जैसा कुछ फील होता है कि अंदरूनी बुखार है, थोड़ा कनकन है, ऐसा कुछ? दिन में कभी कभी 3 बजे के आसपास, 1-2 घंटा के लिए बहुत देह में ऐठान एकदम हरासमेंट जैसे, फिर 1 घंटा में ठीक हो जाता है। अच्छा, आप खाना 2 बजे लेते हो ना? हाँ। तो आपको 3 बजे के आसपास ऐसा होता है? हाँ। 3 से 4 तक? हाँ। अच्छा, और बाकी कोई कमजोरी, थकान, इसके अलावा कुछ महसूस होता है? नहीं,
वही कुछ देर के लिए एकदम लगता है जो शरीर में कुछ नहीं है, फिर एक आध घंटा में ठीक हो जाता है। अच्छा, और भूख बहुत तेज नहीं लगती आपको ऐसे, बस टाइम हो गया तो आप खा ले रहे ऐसे? नहीं नहीं टाइम पर भूख तेज लग जाती है। अच्छा, और जब आप ये दो बार सुबह जाते हो तो मोशन आपको बराबर हो जाता है सही से? हाँ, कुछ दिक्कत नहीं आती? नहीं, ठीक है। सुबह सुत उठ के एक बार गए, फिर गर्म पानी पिए और फिर उसके चाय पिए, उसके बाद फिर एक बार जाते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी और कोई दिक्कत वगैरह कुछ? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी वैद्य को कुछ पूछना है सर से तो पूछ लीजिए। सर आपको नींद कैसे आती है? नींद 5 घंटे हम सोते हैं। कंटिन्यू होता है या फिर बीच में उठना पड़ता है? बीच में उठना पड़ता है, मतलब आप कंटिन्यू 5 से 7 घंटे नहीं सो पाते हैं? नहीं, 9 बजे के आसपास सोते हैं, एक बार से दो बार बीच में हम उठते हैं पेशाब करने के लिए, फिर 4-4:30 में नींद खुल जाती है। और आपका पूरा दिन बैठ के करने वाला काम ज्यादा होता है या फिर एक्टिविटी वगैरह कुछ ज्यादा रहता है ऐसा? बैठ के काम करने वाला ज्यादा रहता है। सर वो आपको जो ट्यूबरक्यूलोसिस दी गई थी वो कितने महीने दी गई थी, फिर आपने पूरा किया था और या फिर बीच में से ही बंद कर दिया, वो गलत हो गया था तो? क्या दिया गया था? आपको टीबी हो गया था, ट्रीटमेंट दे दी गई थी ना आप बता रहे थे? हाँ, तो वो क्या कितने महीने दी गई थी फिर? लगभग 10-15 दिन। अच्छा। उसी में पूरे शरीर में एकदम फुरा जैसे ही हो गया, ही पूरा पैर का खाल उतर गया था। पूरे शरीर वहीं से शुरुआत हुई आपके? हाँ, खाल उतर वो गया गलत हो गया। खाल उतर गया था मतलब क्या? पूरा रूखा हो गया था, सब कैसा हो गया था? हाँ, सब काला हो गया, फिर ऊपर से हटा तब जाके। अच्छा, फिर जैसे ट्रीटमेंट बंद कर दी सब ठीक हो गया अपने आप? हाँ, फिर एडमिट हुए थे हम, 2-3 महीना इलाज चला, लेकिन वहाँ तो सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन नॉर्मल देकर लोग ठीक कर दिया। नहीं, 2-3 महीना आप मतलब घर पर इलाज चला, एडमिट कितने दिन थे? एडमिट 1 महीना लगभग थे। 1 महीना एडमिट थे वो सब ठीक करने के लिए? हाँ, टीबी के दवा चली, उसके बाद हम एकदम बेहोश हो गए, फीवर नहीं टूट रहा था, फिर पूरा स्किन हट रहा था शरीर से, तो उसमें एडमिट रहना पड़ा। अच्छा, ऐसे मतलब स्किन हट रहा था उसमें ऐसे मतलब पपड़ी जैसा निकल रहा था, इस तरीके से हो रहा था, कैसे हो रहा था? पूरे शरीर का पपड़ी जैसे हट गया एकदम। अच्छा अच्छा, और काला होके हटता जा रहा था वो, और बहुत खुजली भी आता था उस वक्त? नहीं। ओके, तब आपको मेन जी बोलिए। वो ढंग से याद नहीं है जब खुजली हुआ था कि नहीं। अच्छा ठीक है। फफोले पड़े थे क्या? हाँ, फोड़े पड़े थे जिसमें पानी भरा रहता है ऐसे फफोले? हाँ। अच्छा, और लालिमा भी थी दोनों तरफ? हम बेहोश थे इसलिए। अच्छा, और वो बेहोशी दवा के रिएक्शन के कारण थी? हाँ, दवा के रिएक्शन के कारण हुआ था। ठीक है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है सर। फिर फीवर टाइफाइड आपका सब कितने दिन में ठीक हो गया था? जब 3-4 महीना उस समय लगा था, उसके बाद सब ठीक हो गया था। 3-4 महीना बुखार बना हुआ था? हाँ, आते जाते था, रहता था। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। जाड़े में आपका बढ़ जाता है और गर्मी में कम हो जाता है? जी, जाड़े में बढ़ जाता है, गर्मी में घट जाता है। गर्मी में नॉर्मल हो जाते हैं एकदम, खुजली नहीं होती? नहीं, खुजली नहीं होती गर्मी में। तब उसमें आपको रिलैक्स महसूस होता है? हाँ। तो उसमें कोई क्रीम विम लगाते हैं उस समय गर्मी में? हाँ,
गर्मी में भी अगर ड्राई रहता है तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जाड़े में तो 2-3 बार लगाना पड़ता है। जैसे जाड़े में कभी धूप में जाते हैं तो आपको ठीक लगता है, महसूस होता है, अच्छा लगता है? हाँ, धूप में अच्छा लगता है, तब आपको कुछ राहत महसूस होती है। हाँ, ऐसे हमारा जो रूटीन है उसमें 8 बजे से 8 बजे तक का शेड्यूल है, इसलिए बाहर बैठे। दही का प्रयोग ज्यादा है क्या जी? दही और बैगन का प्रयोग ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 8-10 दिन दही महीना में खाते हैं। तो दही जब खाते हैं तो बढ़ जाता है, खुजली बढ़ जाती है? वो ऐसा तो हम अंदाज नहीं किए हैं, कभी देखिएगा दही खा करके खुजली बढ़ती है क्या होता है, देखिएगा तो। जी ठीक। और बैगन और टमाटर? अच्छा, और किसी डॉक्टर को कुछ पूछना पूछ लीजिए, नहीं तो लीव करा देते सर को। इसमें हमको क्या सा मेडिसिन लेना है? हम वो सर से डिस्कस कर लेंगे, आदित्य सर से, आदित्य सर आपको बता देंगे सब, डॉक्टर आदित्य से डिस्कस कर लेंगे। आदित्य सर उनको लीव करवा दीजिए फिर। होस्ट को होस्ट शायद करा सकते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ लीव करने के। विनोद जी आप छोड़ सकते हैं, आप एग्जिट कर दीजिए, लीव मीटिंग दाएं तरफ ऊपर वो है। जी जी सर, आप लीव कर दीजिए मीटिंग, हम आपको कल बता देंगे क्या औषधि लेना है, कल बता देंगे। जी जी ठीक ठीक। वो आपको राइट साइड ऊपर का बटन दबाना पड़ेगा, दाएं तरफ पे ऊपर का लीफ का बटन है वो दबाना पड़ेगा। चलिए अभी इनके बारे में कोई ट्रीटमेंट बताइए क्या देना चाहिए। कंचन मैम आप बताइए क्या देना चाहिए ट्रीटमेंट। सर इनमें जैसे दोष देखे तो हम वात और कफ लग रहा है सर, और यहाँ पे वो नहीं बोल रहे कि स्ट्रेस है, पर थोड़ा मनोहर स्रोतस भी दुष्ट लग रहा है। रसव स्रोतस का तो दुष्टि है सर, क्योंकि फीवर का भी हिस्ट्री दिखा है, टाइफाइड था सर 2-3 महीने कंटिन्यू, और टीबी का भी बता रहे हैं हिस्ट्री, और जैसे सेलुलाइटिस का ऑपरेशन वगैरह, मतलब वो स्ट्रेसफुल पीरियड ही रहा होगा सर उनकी लाइफ का। और इनमें जैसे कि अभिसंधि आहार खाना, जैसे दही अचार और दूध, और जैसे डिनर भी साथ में कर रहे थे, दिन में सो भी रहते हैं संडे संडे, थोड़ा सा ये जो हेतु है इनको देख के ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वमन तो प्लान करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट वैसे काफ़ी हेल्दी है कि वमन इसमें करा सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई डिसीज भी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो वमन करा सकते हैं। नहीं अगर पॉसिबल है तो आदित्य सर आप इनका विरेचन तो जरूर कराना, और फिर बाकी दीपन पाचन और रोमन के साथ ही स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साइड से मैं ऐसे दूंगी कि इन्हें आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करेंगे, कायाकल्पवटी, और मैं यहाँ पे केशव और गुगुल दूंगी सर इन्हें, और रसमाणिक्य ताल सिंदूर चलाएंगे सर, और कायाकल्प क्वाथ चलाएंगे सर इनमें, और एप्लीकेशन के लिए कायाकल्प ऑयल बताऊंगी सर, और थोड़ा सा मनोहर स्त्रोतस को अच्छा करना है तो मैं मेधावटी मेधा क्वाथ भी ऐड करूंगी इसके साथ, और यहाँ पे मैं मोती पिष्टी गोदंती भस्म ऐड करूंगी कि जो कि मनोहर स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी थोड़ा सा चैंटिंग वगैरह प्राणायाम योगा के लिए थोड़ा मोटिवेट करूंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते हैं,
मतलब वॉकिंग भी हल्का फुल्का ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको मतलब बॉडी मूवमेंट थोड़ी बढ़ानी है। एक जगह पे शायद सीटिंग वर्क होगा उनका, और चलते फिरते कुछ नहीं है। थोड़ा सा जैसे बच्चे का स्ट्रेस रह रहे, पर ऐसे चेहरा बिल्कुल स्ट्रेसफुल लग रहा था मुझे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक माइंड रिलैक्सेशन चाहिए उनको, तो एक्सरसाइज प्राणायाम ये ऐड करना पड़ेगा सर। और डाइट पूरा जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको सब पूरा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह सुबह 3 चपाती खा रहे थे, शायद वहां पे उनको भूख ही नहीं लगता होगा, क्योंकि प्रकृति भी कफ वाली लग रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे उनको थोड़ा लंघन टाइप, मतलब जब भूख लगेगी तब खाना खाएंगे और प्यास लगेगी तब पानी पियेंगे, ऐसे ही उनका रहना चाहिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर आशा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस केस में? डॉक्टर आशा मैम, विनीता चौहान मैम, अर्शिया मैम कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, बिल्कुल सही बताया कंचन मैम ने, वात कफज कुष्ठ के सारे लक्षण है, और मेनली उनका वो बता नहीं रहे, लेकिन दही का उनका उपयोग ज्यादा रहा होगा आगे, और जैसे कि सेडेटिव लाइफस्टाइल है, नींद भी कम है, तो ये सब मानस कारण भी है इसके अंदर, ये सब दूर करने पड़ेंगे पहले, तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत रिक्वायर्ड है इसमें। और मेडिसिन तो मैम ने काफी अच्छे से बताई है। एक इसमें है ना, कुष्ठ के लिए खदीर का मैं उपयोग कराना चाहूंगी इसमें, खदीर क्वाथ के स्वरूप में या तो फिर वटी के स्वरूप में, बाकी तो मैम ने अच्छे से बता दिया है। वमन जरूर से कराना पड़ेगा सर इसमें, क्योंकि सेलुलाइटिस की भी हिस्ट्री है, रस वसोतस की भी दृष्टि है, तो वमन जरूर से कराना चाहिए। जी सर, थोड़ा ग्रिद भी ऐड करना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा ग्रिद भी ऐड करना चाहिए, कोई महातिक्त ग्रिद, पंचतिक्त ग्रिद, तो रुक्षता भी ज्यादा है उनके इसमें वात का प्रकोप से, तो और जीर्ण ज्वर में भी चिकित्सा में ग्रिद का बताया है, तो कुछ ग्रिद भी ऐड कर दे सर उसमें, महातिक्त या पंचतिक्त। आप कुछ बताइए, शशि रेखा मैम कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? अगर नहीं बता चाहते तो कोई बात, मुझे मैम से पूछना, मैम कल सिंदूर कैसे देते हो आप? कंचन मैम, मैम ने सिंदूर, हेलो कंचन मैम, रस सिंदूर बताया मैम उन्होंने। हाँ अच्छा, रस सिंदूर नहीं, उन्होंने ताल सिंदूर भी बताया था, रसमानिक के ताल सिंदूर, रसमानिक के ताल सिंदूर, सिंदूर, हाँ ऐसा कहा था। और एक और औषधि बताई थी, उसके वो मैं लिख नहीं पाया, कायाकल्प तेल के पहले और ताल सिंदूर के बाद, आरोग्य वर्धिनी, कायाकल्प वटी और केशव गुगुर, ऐसा बताया था मैम ने। हाँ, रसमानिक के ताल सिंदूर, हाँ उसके बाद एक और बताया था, फिर मेधावटी और मनस्रोत के, फिर मौतिक, कायाकल्प ऑयल बोला था लोकल एप्लीकेशन। जी जी, और मोती पिष्टी को दंती। हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम। वो तल सिंदूर कैसे देना रहता है, कैसे मतलब आप कैसे ही बोलते हैं? पाउडर फॉर्म में ही आता है, तो हाँ 1-2 ग्राम तक आप पूरे 30 डेज के डोज में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे गिलोय पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी के साथ ऐड करते हैं मोस्टली। अच्छा, या जैसे आप मानस पे काम करने वाली दवाई ऐड कर दीजिए उसके साथ, मोती पिष्टी है, गोदंती भस्म है, मतलब दोनों एक साथ चला जाएगा फिर मेडिसिन। रसमानिक में भी ऐड कर सकते हैं ना मैम, रसमानिक, रसमानिक या रस सिंदूर। हाँ ओके, बीडी देना है? हाँ बीडी, बीडी देना है। ओके मैम, थैंक यू। आदित्य सर आप क्या बोल रहे थे, क्या भूल गए आप मेडिसिन लिखना? अरे लिख लिया मैम, रसमानिक के रस सिंदूर ताल सिंदूर आपने बताया था, इसका मिक्सचर बीडी कैशुल गुगुर। हाँ, मेधावटी बोला था मैंने, आरोग्य वर्धिनी बोला था, ईश्वर गगुल बोला, कायाकल्प वटी है, कायाकल्प तेल एप्लीकेशन के लिए है, और कायाकल्प क्वाथ भी दे सकते हैं सर, इससे नित्य विरेचन भी अच्छे से होता है, उनका वेट लॉस भी हो जाएगा और पूरे स्त्रोत अच्छे से खुल जाते हैं, मतलब साफ हो जाते हैं एकदम। अच्छा मैम, वो कायाकल्प ऑयल क्वाथ मैम कितने, 2 टेबलेट सुबह शाम? सर क्वाथ ऐसे देना, पहले तो देखना कि मोशन कितने हो रहे हैं, कभी कभी पेशेंट में 6-7 मोशन हो जाते हैं, तो आपको एक ही टाइम देना पड़ेगा फिर सुबह। अच्छा, 5-7 ग्राम लेके 4 कप्स ऑफ वाटर ऐड करके उसको बॉईल करना टिल रिमेन 1 कप, तो फिर वो एक
कप जैसे छान के आप चाय चाय देते हैं ना डिकशन टाइप बना के, जी जी सुबह जी. हल्का हल्का गुनगुना पीने के लिए बोलना. फिर उनको देखना अगर मोशन ज्यादा नहीं हो रहे तो दो टाइम दे दो, और फिर जैसे वो मोशन ज्यादा बोलेंगे आपको तो उसे कम करना. कभी कभी पेशेंट कुछ नहीं बोलता है, मतलब दो तीन मोशन हो रहे हैं उसको अच्छा लगता है ना तो वो उतना सहन कर लेता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ भी. बल्कि आप नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो उसका मतलब बॉडी प्रकृति एकदम प्रकृति वही रहेगा, पर एक जो बॉडी का जो ये होता है ना मोटे है, पेट बाहर आया हुआ है, स्किन का ग्लो चला गया है, वो सब इसमें चेंजेस दिखेंगे आपको. फिर कि वो मतलब थोड़े पतले लगेंगे आपको, क्योंकि वेट लॉस भी होता है वो काढ़े से. जी जी. और सर आरोग्य वर्धिनी दूध के साथ लेने को बोल रहा हूँ तो रुक्षता बढ़ जाएगी, ऑलरेडी रुक्षता है. अच्छा. ठीक है. जी जी बिल्कुल. इसमें एक पीपल सेवन आयन होता है, उसका भी बहुत अच्छा रोल है. क्या सर क्या बोले? पीपल सेवन आयन, सेवन सेवन सेवन. अच्छा हाँ हाँ पीपल सेवन. और सोलिन आयन में बहुत अच्छा रोल है उसका. ओके. बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है पेशेंट एकदम ठीक हो. तो क्या बोला आपने? सोलिन ट्रिपल सेवन आयल, ट्रिपल सेवन. हाँ ट्रिपल सेवन आयल ना, उसके बाद आप और सोलिन आयन में. सोलिन आयन सोरेल. सर वो जो रात को खाने के बाद दूध ले रहे हैं ना तुरंत तुरंत, वो उनको बंद करा दीजिए. और दही, दही बैगन और टमाटर बिल्कुल मत खिलाइएगा कभी भी. जी. ठीक है. बाकी लोगों को कुछ और कोई केस पूछना है या बताना है तो कर सकते हैं, बता सकते हैं. कोई और केस डिस्कस करना चाहते हैं इनके अलावा? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, वैद्य सिद्धेश जी कोई केस और बताना चाहते हैं? हनुमंत जी, डॉक्टर मीना जी कोई केस बताना चाहते हैं तो बताइए. हाँ सर नमस्कार. हाँ नमस्ते. सर मैं कल डिस्कस करूंगा बंधत्व पे केस है, मैंने रिपोर्ट भेजा है ग्रुप में. उनको हाँ कल एक बार लाए देखेंगे, कल उनको लाएंगे सामने. ठीक है. ठीक है. और सर वो एक अपनी वो मायोपिया वाली पेशेंट है सर, उसका रिपोर्ट भेजा मैंने और इम्प्रूवमेंट है सर, लेकिन एक बार कल उसको भी लाएंगे, देखते हैं डिस्कस करना है सर. उसमें गोल्ड प्रिपरेशन कैसे लाए मायोपिया में? हाँ ये है ना अपना बृहद्वाज चिंतामणि सिद्ध मकर ध्वज. मकर ध्वज देंगे तो मज्जा धातु शुक्र. अच्छा मज्जा धातु पे काम करना है तो स्वर्णमालिनी वसंत भी अच्छा काम करता है मज्जा पे. स्वर्णमालिनी वसंत मकर ध्वज है. हाँ सिद्ध मकर ध्वज. सिद्ध मकर ध्वज. ठीक है. आप हमें बताइएगा. हाँ मैं सारा मैंने बता रखा पहले भी, अभी क्या चला रहा हूँ वो बता दूंगा. और उसके बाकी चीजों में तो इम्प्रूवमेंट है, मेंसेस में भी, उसका स्टोन में भी काफी इम्प्रूवमेंट है. ठीक ना. हाँ. बाकी और उसको जो अभी उसने ओसीटी कराई थी तो ओसीटी में उसे हाई मायोपिया डायग्नोस कर रहा है. और वो जो पहले पेशेंट थे आईज के पेशेंट, उनको तो काफी इम्प्रूवमेंट था लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया. और फिर वो एजिटेड जहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट बंद किया था, अभी समस्या वहीं पे है. उनको पता लग गया कि ट्रीटमेंट कर रहा था तो इम्प्रूवमेंट था उनको. और वो जो आपके एक पेशेंट थी जिन्होंने आईवीएफ कराया था सर, वो आईवीएफ फिर करा रही है, लेकिन पहले अभी करवाने से पहले तो उनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया था अपने लिए भी और उनके लिए भी, फिर उन्होंने मुझे फोन नहीं किया. अभी सुन रहा हूँ कि आईवीएफ वाले प्रोसीजर वो फिर करवा रही है, लेकिन अभी मेरे पे संपर्क नहीं किया. अच्छा ठीक है. अभी मेरे पास एक मेल मेल बंधत्व का केस आया, एक फीमेल का भी. फीमेल में मैंने आज इसीलिए सर उसको पेनफुल मेंसेस है काफी सालों से, जब से शुरुआत हुआ और कष्ट आर तो मतलब इसे कहते हैं. और अपना ये भी है सर उसको ना दो से तीन दिन, तो कल मैंने रिपोर्ट भेजा है, कल एक डिटेल डिस्कस करूंगा सर. हाँ ठीक है. पूरा केस टेकिंग अच्छा से होना चाहिए सर. हाँ मैंने अभी केस टेकिंग की है,
अभी मैं उसको समराइज करके और बना के ना फिर मैं कल डिस्कस करूंगा अंजना मैम से भी रिपोर्ट। और वो सूर्यवंशी जी ठीक हो गए आपके? सर सूर्यवंशी जी को काफी आराम है, सूर्यवंशी जी पेट में भी काफी आराम है, उनका साइनस में भी आराम है काफी, ठीक ना। अब उनका बालों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको विधिकर्म कर रहा हूँ बालों में हेयर के लिए, ठीक ना सर। और उनका बाकी रिपोर्ट क्लियर हो गया जो जिसके लिए वो मेरे पास आए थे, 50-60% 70% उनका साइनस भी ठीक है, लेकिन बीच बीच में उनको मौसम जैसे चेंज होता है तो कुछ संतरा का जूस पी रहे थे तो उनको सर्दी ठीक आ रही थी तो फिर संतरा का जूस बंद कराया। ठीक ना सर, स्मेल उनकी लौट आई है सर, स्मेल 20-30% लौट आई थी उनकी सर। और आपको शशि मैम मिली थी ना, तो शशि मैम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इतना नॉलेज। शशि मैम से, हाँ शशि मैम मिली थी, सबसे बड़ा सर सर का सानिध्य मिल गया मुझे सर, मेरे साथ काफी थे, मैं मर्मा भी सीख लिया पूरा, मतलब काफी प्रैक्टिकल किया सर का साथ, और सर का सानिध्य मिल गया बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मतलब सर के साथ ही रुके थे आप? मैं पहले तो मैं अकेले था, मुझे पता नहीं था सर जा रहे हैं, सर को हमें पता नहीं था सर को कि सर आ रहे हैं, मुझे शशि मैम से पता चला तो सर मुझे सर ने बोला कि नहीं तुम अब तुम शाम में मेरे साथ ही आ जाओ, तो सर के साथ आ गया, 3 दिन फिर सर के साथ ही था। अच्छा तो उनके साथ ही रुके थे आप? हाँ सर के साथ ही। अच्छा और ये शिल्पा मैम भी मिली होंगी, शिल्पा ईयर में मैम? हाँ शिल्पा मैम भी मिली थी, 2 दिन मिली थी वो भी। हाँ उनके साथ भी काफी लोग मिले थे सर। हाँ, उनका तो बहुत नॉलेज बहुत अच्छा है शिल्पा मैम का। हाँ उनका काफी बड़ा ग्रुप था, मिले थे उनके बच्चे स्टूडेंट भी थे सर। हाँ। सर के काफी स्टूडेंट मिले थे। हाँ, अच्छा हो गया। मेरी भी एमडी हो गई है सर ने, क्रिया शरीर में हो गया, कंप्लीट हो गए। हाँ थोड़ा सा पेपर वर्क बचा है सर, वो कंप्लीट हो जाए तो कहीं लगना है। ठीक है फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। और ठीक है पिताजी ठीक है? सब कोई ठीक है। ठीक है चल रहा है ट्रीटमेंट, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर बात करते हैं। ठीक है और किसी को कोई केस डिस्कस करना है? गुर्जर साहब, डॉक्टर इडल सिंह गुर्जर जी, कोई केस बताना है तो बताइए, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं यहाँ पर केस। डॉक्टर आशा मैम कोई केस बताना चाहे तो बता सकती है। गीता मैम, गुर्जर जी बोलिए। जी सर, तो जो मेरा जो सर टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट था उसको काफी दिया। आपने क्या क्या दिया सर? सर आपने जो बताया था वही AKT दिया था सर उस टाइम पे। हाँ। आरोग्य वर्धिनी बटी दी थी। हाँ। गंधक रसायन सर, और ये सारी चीजें दी थी सर, काफी रिलीफ है पहले से उनको। हाँ। और सर एक पेशेंट अभी आया है, बच्ची है 14 साल की, तो उसको लिवर में सूजन बता रहे हैं उनको। हाँ। मैं सर आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, आप रिपोर्ट भेजिए तो फिर मैं बता पाऊंगा। जी सर मैं अभी उनको बॉर्डर लाइन हेपेटोमेगेली आया है। तो अभी मैंने आरोग्य वर्धनी बटी और कुछ विरेचन पूल वगैरह दिया है अभी स्टार्टिंग में सर, और बाकी सर आप बताइए क्या दे सकते हैं। आप रिपोर्ट भेजिए फिर मैं देख के बताऊंगा, अगर पॉसिबल है तो केस यहाँ लेके आइए। जी सर, फिर उनका फोटो भेजिए तो देख के मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर, उनको हेडेक बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा पेन होता है सिर में। सब ठीक हो जाए, किसकी वजह से हो रहा होगा? स्रोतो दृष्टि की वजह से। आप उनको लेके तो आइए फिर हम बात करते हैं। जी सर मैं रिपोर्ट सेंड करता हूँ। हाँ करिए, थैंक यू। ठीक है शशि मैम, कंचन मैम आप लोग थोड़ा 5 मिनट ये मीटिंग को संभालिए, मेरे पास एक पेशेंट आया है उनसे बात करना है। अर्शिया मैम आप संभालिए थोड़ा 5 मिनट। जी सर। अच्छा मैम एक डाउट था, जैसे रसा मानिक के ताल सिंदूरम, रसा सिंदूरम देंगे, इसमें अनुपान क्या रहेगा? सर यहाँ पे आप मधु के साथ भी दे सकते हो, क्योंकि कफ का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो आप इसको मधु के साथ भी दे सकते हो। आप घी भी ऐड कर सकते हो, कि जैसे महातिक्त घृत बोला है ना, तो महातिक्त घृत के साथ भी इसे खिला सकते हो, क्योंकि दोनों पे काम हो जाएगा, मतलब वृक्षता भी कम हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा, अनुपान भी अच्छा रहेगा उसके साथ। मैम ये दोनों एक साथ दी जा सकती है, ताल सिंदूर और रस सिंदूर? जी दे सकते हैं मैम, दे सकते हैं। मैम गोमूत्र में अगर मिला के दें तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना?
मोस्टली मिला के मत देना सर, लेना है तो फिर थोड़े 10 मिनट के अंतर से ले सकते हैं, या फिर हम जो काढ़े देते हैं ना, जैसे कि कायाकल्प क्वाथ दिया है मैंने, तो उसमें मैं ऐड करके देती हूँ, पर गोमूत्र के साथ मैंने कभी मिक्स करके नहीं दिया है कोई भी चीज। गोमूत्र के साथ उष्णता भी बढ़ सकती है ना। अच्छा, घी के साथ देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। पर एकदम से पहले ही रुक्षता का विचार नहीं करना है सर यहाँ पे, क्योंकि क्लेद बहुत है बॉडी में, थोड़ा क्लेद को सुखाना भी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचो कि एकदम से बिल्कुल रुक्षता ही है बॉडी में, पहले क्लेद को भी सुखाना है, आम का पाचन भी करना है। रुक्षता तो है, हमको वहाँ पे घी तो ऐड करना ही है, पर आपको क्लेद को भी सोचना है, आम को भी सोचना है। जी मतलब आपको, आप ऐसे काम कर सकते हैं कि जैसे पहले 10 दिन आपने क्लेद के बारे में सोचा, फिर बाद में आपने रुक्षता के बारे में सोचा। मैं तो मोस्टली ऐसे करती हूँ, अगर मुझे घी भी ऐड करना है तो मैं 10 to 15 days के बाद ऐड करती हूँ, क्योंकि तब तक के दीपन पाचन अच्छा हो जाता है, और जो हम घी खिलाते हैं बाद में तो उसका पाचन भी अच्छा होता है, जैसे कि हम कर देते हैं ना शुरू में ही, तो बहुत बार डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत बार पेशेंट समझा हाँ ठीक से खेल लेता भी नहीं है, बहुत बार उसको उसकी वो घी की ही डकारे आती है। तो हम, मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, एटलीस्ट 10 days जाने देती हूँ पूरा दीपन पाचन, आरोग्य वर्धिनी से उनका दीपन पाचन भी अच्छा हो जाएगा, और फिर आप घी ऐड करिए 10 days के बाद। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम अदरक जैसे उनको, जैसे सुनती में अगर दूंगा सॉल्ट, तो उसको थोड़ा सा किस में मिला के दूं, घी में मिला के दूं, कि जैसे बोलूं कि खाने के साथ खा ले सॉल्ट का चूर्ण? सॉल्ट का फिर आप पानी के साथ ऐड कर दो ना सर, जैसे कि पानी आप, के साथ ठीक है, पानी दे दो, सिद्ध जल करके दे दो। ठीक, इसमें मैम रस पाचक और ये चंद्र प्रभा भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं ना, बस क्या करना है ना कि आदित्य सर एक ही साथ सभी के सभी मेडिसिन नहीं ऐड करना आप, नहीं 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 जी, नहीं जी, धीरे धीरे जाना, मतलब जैसे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना, एक साथ ही हम एकदम 15-20 मेडिसिन ऐड कर देते हैं ना, तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है और लेता ही नहीं है। हाँ मैम धीरे धीरे चलूंगा, पहले दीपन पाचन करूंगा, अनुलोम पे आऊंगा, फिर उसके बाद मैम ये जो दूसरी औषधि है वो ऐड करूंगा जो आपने बताया, कुछ लोकल ऑइंटमेंट दे दूंगा जिससे टेम्परेरी, मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल रहेगा वो तो, लेकिन सबसे पहले मानस पे अच्छे से, पहले मानस वाली भी दीपन पाचन के साथ ही मानस वाली ऐड करेंगे ना, तो वो पेशेंट थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव साइन दिखाता है। अच्छा, तो मैं जैसे तिक्त घी कर दूंगा जब पच जाएगा 10 दिन बाद, तो तिक्त घी ऐड कर दूंगा, महातिक्त तिक्त घृत जो भी, मतलब महातिक्त थोड़ा ज्यादा कड़वा होता है तिक्त से, तो जैसे पसंद करे। हाँ और किसी को कुछ बोलना है? हेलो बहुत सारे लोग हैं पर कोई बोलता ही नहीं है, ऐसे क्यों, सबने बोलना चाहिए। मैम नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। मैम मेरी एक क्वेरी है, एक पेशेंट पिछले मैंने डिस्कशन किया था, वो केराटोकोनस डिजीज थी, आंख में कॉर्निया तिकोना हो गया था, कंप्यूटर को ज्यादा लॉन्ग टाइम यूज हुआ कोरोना काल में, तो उसको मैंने, आप सबने सजेस्ट किया था, तो मैंने उनको ब्रेड वास्कादि कषाय सप्तामृत लो और पंचामृत लो गुगुल और ये क्या नाम से स्वर्ण वसंत मालती और रजत भस्म, इसका वो चलाया ट्रीटमेंट, तो उसको काफी रिलीफ है, एक आंख में लेफ्ट साइड में था पहले, अब ट्रीटमेंट वही चल रहा है लेकिन राइट साइड में डेवलप हो रहा है केराटोकोनस, जबकि लेफ्ट में कम हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद। हेलो जी, हाँ किसी ने केस सुना है सर का, तो सर को गाइड करो प्लीज, मैंने एक्चुअली नहीं सुना है, मैंने मतलब मुझे याद भी नहीं है। हेलो
कोई हेल्प कर सकता जिसने सुना होगा वो हेल्प करे प्लीज। सर उनकी अग्नि वगैरह कैसी है? अग्नि अब तो ठीक है मैम, मैंने दीपन पाचन दिया उसके बाद ठीक है। पहले थोड़ा सा ग्रहणी भी दृष्टि थी उनको। एक उसका नंबर हो गया था 0.6.5 के लगभग हो गया था एक महीने में मैडम, 0.75 से। अच्छा अब वो नंबर 4 पे आ गया, लेकिन राइट साइड में जो बिल्कुल एकदम सही थी आँख, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, थोड़ा सा एक तो नंबर भी बढ़ा है थोड़ा सा और उसका एलिवेशन भी चेंज हुआ है। आप ये तर्पण किया है आपने? हाँ नेत्र तर्पण त्रिफला से महात्रिफला व्रत से किया था। दोनों में? हाँ दोनों में किया। अच्छा इंटरनली भी? हाँ इंटरनली भी दिया है कुछ वो त्रिफला घृत वगैरह घृत कुछ? इंटरनली घृत दिया है सर? सर का आवाज ही नहीं है शायद। हेलो आवाज आ रही है सबको? आ रही है मैम। नहीं सर की नहीं आ रही है। वो सर की नहीं आ रही शायद ना। मैम सर की नहीं आ रही है। हाँ हो सकता है कि पेशेंट जो हेतु सेवन बंद नहीं किया हो इसलिए वो डेवलप हो गया हो दूसरी जगह पे। वो भी एक कॉज हो सकता है क्योंकि सर ट्रीटमेंट दे रहे हैं मतलब जो साइड में है वो साइड का कम हो रहा है और दूसरी साइड में आ रहा है तो एक रीजन हो सकता है। मैम इससे नस्य भी अच्छे से काम करेगा शायद, थोड़ा नस्य भी उनको शतावरी घृत या फिर क्षीर बड़ा तेल से नस्य भी शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ अभी विक्रम सर नहीं है शायद, उनको सुनना चाहिए। विक्रम सर आप है क्या? नहीं है शायद। जी मैम हूँ मैं। सर मैम अच्छे से बता रहे आप बताइए मैम। आशा मैम सर आपने जो मेडिसिन चलाई है एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ एक तो ब्रहतवास का आदि कषाय जी और सप्तामृत लो पंचामृत लो गुगुल त्रिफला से वो नेत्र तर्पण और इंटरनली त्रिफला भी दिया है और इसके अलावा ये क्या नाम से बसंत कुसुमाकर रस रजत भस्म। ठीक है सर। सर आपने नस्य दिया है क्या इसमें? मेरे हिसाब से नस्य भी देंगे तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शीरवला का दिया है। दिया है ना? ओके सर मुझे एक लगता कंटिन्यू रखिए आई थिंक। हाँ एक आरोग्य वर्धनी आप ऐड कर दें। नहीं नहीं एक आरोग्य वर्धनी ऐड करने का बोलोगे क्योंकि लिवर राइट साइड में होता है जिनको राइट साइड की दुष्टि हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तो एक आरोग्य वर्धनी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और एक होता है आमल की बीज मज्जा चूर्ण तो वो भी नेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है तो वो भी आप चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके नहीं मैम प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट में और राइट में भाई ट्रीटमेंट तो सेम ही है दोनों का, अपन ये लेफ्ट का ही इलाज थोड़ी कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट आई का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। एक में तो ग्रोथ हो रही है एक में ग्रोथ कम हुई है की। उनका हेतु वगैरह क्या रहा है वो सब ठीक से कर रही है? तो उनका ये कोरोना पीरियड में नीट की तैयारी की थी अभी 19 ईयर ओल्ड वो है बॉय, उन्होंने क्या रेगुलर एक कमरे में बंद रह करके और कंप्यूटर पे 6-6, 7-7 घंटे रीडिंग की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो यही रहा था। फिर खाना पीना भी थोड़ा सा बाहर का हो जाता था कई बार। एच बी कैसा है पेशेंट का? एच बी ठीक है मैम।
ठीक है सर, ऐसे केसेस में ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इंटरनली क्या है उनकी नसें जो है वो थोड़ी रस क्षय की तरफ ये सारे सिम्टम्स दिखा रहे हैं ना, जो अक्षवाही नस जो भी नसें हैं वो, तो थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है क्योंकि लेफ्ट में इम्प्रूवमेंट है, दैट मींस के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वो 6.4 पे आ गया था वो नंबर आई साइड का, तो अभी भी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे वो, तो मतलब हेतु तो बिल्कुल बंद नहीं हुआ है ना, तो है लेकिन इतना नहीं है अब तो। अच्छा ठीक है सर, देखिए कंटिन्यू करिए, आई थिंक हो जाना चाहिए। जैसे मैम ने बताया थोड़ा घृतपान वगैरह भी शुरू कराइए उनको, है ना, शतावरी घृत है या जीवंत आदि घृत है, ये सब घृतपान वगैरह से भी अच्छा फर्क पड़ेगा। और एक आप ये भी कर सकते हो, राइट आई के आसपास थोड़ा जलों का उच्चारण करवा दो। तो मैम जलों का यहाँ उपलब्ध नहीं है। ओके ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे केराटोकोनस अगर अभी बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में मतलब कोई दुष्टि है, मतलब सॉरी कोई कोई कमी रह गई है, जैसे हमने अगर डिटॉक्स नहीं कराया ऐसा लग रहा है। हाँ सर, अब ये क्या पेशेंट जयपुर में रहते हैं, तो अभी मेरा तो डेली तो बात हो नहीं पाती, आज मतलब एक महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, तो उसमें ये आया कि लेफ्ट में जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो कम हुई है लेकिन राइट में डेवलप हो रहा है वो हल्का सा। आंखों के केस में क्या मैम? पेशेंट जीरकपुर का है? हाँ पेशेंट जयपुर में है अभी। ओके, क्योंकि मैं भी जीरकपुर से हूँ इसलिए पता पूछ रही हूँ आपसे। जीरकपुर दैट इज जो चंडीगढ़ के पास में है ना, जयपुर राजस्थान। ओके सर, थैंक्स। अभी सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया, कल संडे है, कल सुबह मॉर्निंग में कोई सेशन नहीं होगा, कल शाम को फिर मिलेंगे। कोई केस लाना चाहते हैं तो कल शाम को आइएगा, फिर मिलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रणाम सभी को, गुड नाइट।